नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जनवरी दोपहर 2:15 राजस्थान की खास खबरें। अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान मिली नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला दावा किया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने रेप से इनकार किया है। देर शाम को एसपी ने जेके लोन अस्पताल जयपुर की एक्सपर्ट पैनल के आधार पर दावा किया कि बालिका से रेप नहीं हुआ। लहूलुहान कैसे हुई इस पर जाँच जारी है। कोई नया तथ्य सामने आएगा तब आगे बताया जाएगा। एसपी ने कहा, मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार बालिका के प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी है, रेप होने जैसे फैक्ट्स सामने नहीं आए हैं। ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट, टेक्निकल फैक्ट्स के आधार पर बताया गया है। मेडिकल टीम ने बालिका के प्राइवेट पार्ट्स की इंजरी के बारे में भी बताया गया है। उसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि रेप जैसे फैक्ट नहीं है। आगे हम जाँच कर रहे हैं कि पुलिया पर बालिका के साथ किस तरह की घटना हुई है। जैसे ही कोई नया फैक्ट सामने आएगा बताया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अलवर जिले में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के बदहाल व घायल अवस्था में मिलने के मामले में राजनीतिक दलों के अनगर्ल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि पुलिस को स्वतंत्र रूप से मामले की जांच पूरी करने देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट व तकनीकी साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि पीड़िता से दुष्कर्म की संभावना नहीं है। हालांकि पुलिस को अभी यह पता नहीं लगा है कि नाबालिग को इतनी गंभीर चोटें कैसे आई। उन्होंने लिखा कि अलवर में विमंडित बालिका के प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एसपी अलवर व बालिका का इलाज कर रहे वरिष्ठ डॉक्टरों से संपर्क बना हुआ है। पुलिस महानिदेशक को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अनुसंधान कर शीघ्र मामले की तह तक पहुँचने के निर्देश दिए हैं। अलवर एसपी की सहायता के लिए राज्य स्तर से उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में अनुसंधान हेतु अलग से टीम भेजी गई है। डीजी पुलिस को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अनुसंधान कर शीघ्र मामले की तह तक पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर जिले की सवीना पुलिस को ऑनलाइन ठगी मामले में बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार बैंक कर्मी पवन कुमार बोहरा के खाते से 9.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी। पुलिस ने ठगों के खाते से संपूर्ण राशि को रिकवर कर लिया और बोहरा के खाते में फिर से 9.5 लाख रुपए जमा हो गए। सीआई रविंदर चारण के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामलों में यह अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। कोटा जिले में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान हाईटेंशन लाइन से छू जाने से 12 साल के मासूम की मौत हो गई। 12 साल का हिमांशु गुजर छत पर पतंग उड़ा रहा था। छत के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही थी, पतंग हाईटेंशन लाइन से अटक गई। हिमांशु ने डंडे से पतंग उतारने की कोशिश की, इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। परिजन उसे सुल्तानपुर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, वहां से उसे कोटा रेफर किया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर कनिष्ठ अभियंता ललित यादव द्वारा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट तैयार की गई। दूसरी तरफ सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में चाइनीज मांझे का कहर एक मासूम पर टूटा है। जानकारी के अनुसार चाइनीज मांझे से एक 2.5 साल के मासूम के पैर की नस कट गई, जिसे परिजन चिकित्सालय लेकर गए। चिकित्सकों के अनुसार चाइनीज मांझे के कारण पैर की नस कट गई है और मासूम को 15 से 20 टांके लगे हैं। प्रदेश के परिवहन विभाग में कोरोना का कहर टूटा है। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिला परिवहन कार्यालय में कोरोना का विस्फोट हुआ है। डीटीओ मनोज वर्मा सहित एक दर्जन लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवहन निरीक्षक मुन्नालाल कुमावत, उप निरीक्षक श्रीकांत कुमावत कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा कार्यालय के कई और क्रामिक का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। दौसा जिले की मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस और दौसा साइबर सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 2 नाबालिग बालिकाओं के अपहरणकर्ताओं को दंपति सहित गिरफ्तार किया है। अपहरणकर्ता दंपति उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के निवासी हैं। यह दंपति मेहंदीपुर बालाजी में किराए का मकान लेकर रहते थे। इस दंपति ने करीब 5 माह पहले मेहंदीपुर बालाजी से 2 नाबालिग बालिकाओं का अपहरण किया था और बालिकाओं से भीख मंगवाते थे। इस कार्रवाई में साइबर सेल के कांस्टेबल अजय सिंह की मुख्य भूमिका रही। सीकर जिले के रिंगस थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने वारदात से पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी मदनलाल कड़वासरा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि जयपुर से मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध हथियार लेकर बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए रिंगस आ रहा है, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस की ओर से जयपुर रोड पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान जयपुर की तरफ से आ रहा बाइक सवार की तलाशी ली तो उसके बैग में 3 अवैध
अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस मिले, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मनप्रीत राय को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर जिले में धोखाधड़ी की एक बड़ी वारदात हुई है। पहले दुकान को गिरवी रखकर रुपए उधार लिए और बाद में दुकान का सौदा कर 51 लाख रुपए लिए। इसके बाद न तो रजिस्ट्री करवाई और न ही राशि लौटाई। ऐसे में पीड़ित ने 2 बिल्डर सहित 3 के खिलाफ गंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने सब्जी मंडी वाली गली निवासी अनुज सिंह चौहान की रिपोर्ट पर आरकेपुरम फाईसागर रोड अजमेर निवासी गोविंद दायमा, रणजीत दायमा और राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब के सेवन से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिवारों के सदस्यों ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि अभी तक जहरीली शराब पीने से मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आसपास के इलाके में चुलाई शराब बनाने की बात बताई जा रही थी। बता दें कि इससे पहले भी बिहार में जहरीली शराब पीने से कई मौतें हो चुकी हैं। पिछले साल दीपावली के एक दिन पहले भी यहां कुछ लोगों की मौत हुई। इसके बाद से सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिलों में मौत की खबरें सामने आने लगी। आंकड़ों के अनुसार महज 6 दिन के अंदर ही राज्य में जहरीली शराब से 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी कोई बीमार है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।